अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आयुष के आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर्स साहिबान, आपको दिल की अमीक गहराइयों से मेरा सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मिड लेवल ऑफिसर की जो पोस्ट है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सब सेंटर पर भरी जानी है, जिसके तीसरे मरहले की पोस्टिंग जो है उसके फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है, और टोटल जो पोस्ट है 3965 पोस्ट है, जिसमें फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 14/10/2019 है। तो आज जो है गिनती के कोई अपना दो एक दिन बचे हैं, तो मैं अपने तमाम आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टरों से अपील करता हूँ कि वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें और इस मौके को गनीमत जानें और जल्दी करें। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की तरफ से भी अपना एक अपील जो है अखबारों और प्रेस मीडिया में, अपना प्रिंट मीडिया में दी गई है। मैं अपने तमाम अपना यूनानी के डॉक्टर्स हजरात से, बिलखसूस यूनानी की तिब्बी तंजीमों से, यूनानी के प्रिंसिपल्स हजरात से, असातिज़ा हजरात से, तिब के अपना के लिए काम करने वाले हजरात से अपील करता हूँ कि वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट की जो भर्ती है, जिसके लिए एक लंबी जहद, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, मुंबई हाई कोर्ट में अपना हमारा केस चल रहा है 777 जो जमीयतुल उलमा के इश्तराक से जारी है। आप इस अपने वो केस की नौइयत को समझें, इसके लिए बड़ी मेहनत हुई है, बड़ी को जहद हुई है, बड़ी कोशिशें हुई है। इसलिए हम जो है आप लोगों से अपील करते हैं कि आप हमारे यूनानी डॉक्टर को बिलखसूस वो ज़्यादा से ज़्यादा इस अपना भर्ती में फॉर्म भरें। और दूसरी अहम बात कि CHO की ट्रेनिंग को लेकर के, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ट्रेनिंग को लेकर के किसी बहस व मुबाहसा, किसी मुगालते में ना रहें। हमने जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अपना जॉइंट डायरेक्टर हजरात से, नेशनल कमीशन के संचालक और कमिश्नर से ये अपील की है कि आपने हमारे बच्चों का एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम CHO का साथ में लिया है, उनकी ट्रेनिंग साथ में हो रही है, तो उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम भी साथ में होना चाहिए, और एग्ज़िट एग्ज़ाम के बाद सीटों का बंटवारा भी साथ में होना चाहिए। तो आप जो है क्या नाम है, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें और ट्रेनिंग को ज़्यादा क्या नाम है अहमियत दें, और जो कुछ भी आपको क्या नाम है 12-point प्रोग्राम जो सिखाया जा रहा है, जिसकी ट्रेनिंग और टीचिंग दी जा रही है, उसको अच्छे से क्या नाम है सीखें, और आगे जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम की तैयारी अपना अच्छे से करें, और एग्ज़िट एग्ज़ाम क्रैक करके आप अपने पसंद की अच्छा नंबर ला करके अच्छे पोस्टिंग जो है आप पाएँ। और आपका फोकस आपके अपना जो है 6-8 महीने से ऊपर उठ करके ट्रेनिंग पे होना है। ट्रेनिंग पे अपने फोकस पे अपना क्या नाम है नज़र रखें, और अच्छे अपना नंबरात से आप कामयाब हो। और आखिरी बात यह है कि भाई जो हजरात ट्रेनिंग में हैं, उनसे मैं फिर अपील करता हूँ कि वो अपनी ट्रेनिंग में के दौरान हुसना अपने अपना जो अपना मामला जो है, और अपनी ट्रेनिंग के से जुड़े हुए जो कुछ अपना मामला जो है उसमें जो है सुधार लाएं। बहुत सी बातें, बहुत सी अपना अलग अलग ज़िलों से आ रही है, ये अपना जो है बहुत ही बड़ा यानी काम है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट में आपकी पोस्टिंग होनी है, तो आपकी काबिलियत, आपकी लियाकत, आपका हुनर जो है, आपकी डिग्री जो है, आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो सर्टिफिकेट आपका कोर्स आपके लिए जो ये फ्रेम किया गया है, इसके हक को अदा करें, इसके हक को अदा करें। और बात जो रखनी थी वो ये थी कि भाई 14/10/2019 5:30 बजे तक का फॉर्म भरने का वक्त है CHO की पोस्ट का, जो कि 3965 पोस्टिंग है। इस पोस्टिंग में हमारे बच्चों की अपना जो है यूनानी के फॉर्म ज़्यादा भरे जाने चाहिए, ये जहद करें, तिब्बी तंजीमें जहद करें, असातिज़ा जहद करें, और जो है हमारे प्रिंसिपल हजरात भी अपना यूनानी कॉलेजेस के वो जहद करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे फॉर्म भरें, और
जो ट्रेनिंग में बच्चे हैं उनसे अपील है कि अपनी ट्रेनिंग जो है अच्छी तरह से अपना हासिल करें और तिब का जो है नाम, यूनानी तिब के नाम को जो है रोशन करें, BUMS के नाम को रोशन करें। आयुर्वेदा के बराबर जो हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जो है चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी जो है आयुर्वेदा के बराबर जो है तालीमी उस पर भी जो है खरा उतरे। तो आपकी जो है ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी ट्रेनिंग के दौरान, आपका एग्जिट एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरात से पास होंगे और आपको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। तो लिहाजा अपनी ट्रेनिंग के साथ अपनी जो है फोकस जो है आप अपना एग्जिट एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखें कि आपको अच्छे नंबरात से एग्जिट एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो इन्हीं चंद कलमात के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए थे और अपील करते हैं आखिर में कि आप जो है CHO की पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें। जो बच्चे जो ट्रेनिंग अपना जिनकी अपना इंटर्नशिप चल रही है और महीना दो महीना बाकी है, वो बच्चों से हम ज़रूर कहेंगे कि वो बच्चे जो है CHO के उसमें फॉर्म भरें। इंशाल्लाह MCIM के जो मेम्बरान है बिलखसूस रफ़ीक सैयद साहब और मिर्ज़ा साहब, इनसे हम अपील करेंगे कि उन बच्चों का जो है आप रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द दिलवाने में मदद करें और उन बच्चों की क्या नाम है रजिस्ट्रेशन में जो कुछ अड़चने हैं उसको दूर करके उनको जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन दिलवाएं। ऐसे बच्चे जो है वो भी बिलखसूस वो बच्चे जो है फॉर्म भर दें। लेकिन जिनकी 4-6 महीना ट्रेनिंग बाकी है इंटर्नशिप की, उन वो बच्चों से हम अपील करेंगे कि वो मायूस ना हो। वो बच्चे जो है दोबारा जो भर्ती का जब भी प्रोसेस आएगा उसमें क्या नाम है इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन परमानेंट हासिल करने के बाद वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे मायूस ना हो, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ बेहतर अपना रखा है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए थे और आखिर में यही भी कहेंगे कि इखलास गर ना हो तो कयामो सुजूद भी, इखलास गर ना हो तो कयामो सुजूद भी, एक शुगल दिल फरेब तो है बंदगी नहीं। अपने काम में इखलास खुलूस पैदा करें और नेक नीति से क्या नाम है काम करें, इबादत करें, तो अल्लाह ताला को जो है वो इबादत जो है पसंद आएगी, वो इबादत जो है वो नमाज पसंद आएगी, ना कि वो क्या नाम है वो रियाजत कहलाएगी। तो खुलूस के साथ काम करें, खुलूस के साथ ट्रेनिंग करें, खुलूस के साथ एग्ज़ाम दें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, उनकी जो है ट्रेनिंग में उनके एग्ज़ाम में आसानियाँ पैदा फरमाए, उनकी अच्छी पोस्टिंग हो और हमारे बच्चे जो है यूनानी के अपना रोशन सितारे जो है मुस्तकबिल के जो रोशन सितारे जो है, अल्लाह इनसे तिब्बे यूनानी के बड़े बड़े काम ले। इन्हीं चंद कलमात के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके हिस्से में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, बड़ी बड़ी कामरानियाँ और आपके हिस्से बड़े बड़े काम ले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।